हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही क्विक और इजी रेडी होने वाले मोदक की रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि हम बहुत झटपट रेडी करेंगे और बहुत ही इंस्टेंट वे में हम इनको बनाएंगे। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि मेरे जितने भी न्यू वीडियोस आएँ उनकी सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये क्विक रेडी होने वाले टेस्टी से मोदक। सबसे पहले हमने यहाँ पर फ्राई पैन में एक कप चना दाल ली है। ये मार्केट में ईजिली मिल जाती है, इसे रोस्टेड चना दाल बोलते हैं या फिर डालिया भी कहते हैं इसको। वैसे ये ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, पर मैं मुझे इसका टेस्ट थोड़ा रोस्ट करके ही अच्छा लगता है, इसलिए मैं यहाँ पर इसे थोड़ी देर के लिए, एक दो मिनट के लिए रोस्ट कर रही हूँ। इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। देखिए अभी ठंडा कर लिया है, इसको एक कप ही है। इसको हम मिक्सर में डालकर इसका फाइन पाउडर हम रेडी करने वाले हैं। अभी दूसरे मिक्सिंग बाउल में मैंने हाफ कप पाउडर शुगर लिया है और 1/4 कप मैंने यहाँ पर घी लिया है। घी ऐसा ही लेना है, पतला नहीं लेना है, थोड़ा जमा हुआ हो। अब इन दोनों को अच्छे से हम मिक्स करेंगे और थोड़ा फेटेंगे, जिससे कि थोड़ा सा क्रीमी टेक्सचर इसका हो जाए। इस तरीके से हमें इसको फेटना है, चीनी अच्छे से मिक्स हो जाए इसके अंदर। देखिए इस तरीके से मैं आपको हाथ से करके बताऊंगी, क्योंकि इतना अच्छे से इससे मिक्स नहीं हो पा रहा है। देखिए 3-4 मिनट में ही इसको अच्छे से हम फेट लेंगे, इस तरीके से ये मैश हो जाएगा पूरा। देखिए मिक्स हो चुका है हमारा शुगर और घी। अब इसी स्टेज पर हम जो हमने पीसा है अपना दालिया, उसको हम मिक्स कर देंगे। देखिए फाइन पाउडर होना चाहिए, इसमें कोई भी डाले नहीं होना चाहिए चने की दाल, तो इसके लिए आप इसे छान भी सकते हैं। मैंने एक बिल्कुल फाइन पाउडर रेडी किया है, कोई भी इसमें टुकड़े नहीं हैं दाल के। थोड़ा थोड़ा करके इसमें हम ऐड कर देंगे, एक साथ सारा ना करें, अच्छे से मिक्स करना है। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है ये मोदक बनाने का, बहुत ही ईजीएस्ट वे है। इंस्टेंट मोदक इससे रेडी होते हैं। वैसे हम मोदक बनाते हैं थोड़ा टाइम लगता है, पर ये बहुत ही झटपट बनकर रेडी हो जाते हैं। 10 से 15 मिनट में ये बनकर रेडी हो जाएंगे। जिनको बनाना नहीं आता मोदक, उनके लिए बहुत ही अच्छी रेसिपी है और बहुत ही जल्दी रेडी होती है। देखिए थोड़ा थोड़ा करके मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, बस इसे अच्छे से हमें मिक्स करना है, जिससे कि जितना भी घी और शक्कर का हमारा मिक्सचर है वो इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। हाथों से ऐसे करें मसल के, इसमें हमें इसको एक डो की फॉर्म में लेके आना है। में अगर बाइंडिंग में थोड़ा प्रॉब्लम आ रही तो आप थोड़ा सा घी और मिला सकते हैं। देखिए अब इसके अंदर मैं अच्छे टेस्ट के लिए इलायची पाउडर डाल रही हूँ, साथ ही मैंने कुछ नट्स भी इसमें ऐड किए हैं। काजू मैंने बारीक काट लिए थे और पिस्ते डाल दिए हैं। साथ ही सुंदर सा कलर देने के लिए थोड़ा सा मैंने ऑरेंज कलर इसमें मिक्स किया है। ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं चाहते कलर का यूज़ करना तो आप ना भी करें, तो भी खाने में तो उतने ही टेस्टी लगेंगे। पर थोड़ा सा मुझे कलरफुल अच्छे लगते हैं, इसलिए मैंने हल्का सा कलर दिया है इसमें ऑरेंज कलर, ताकि इसको मार्केट का लुक दिया जा सके। गणपति बप्पा को मोदक बहुत ही अच्छे लगते हैं, उनके ये फेवरेट होते हैं और अक्सर हम मार्केट से लाकर उनको प्रसाद चढ़ाते हैं। अभी ये इतना इजी रेसिपी है, आप इसको अपने हाथों से इजीली बना पाएंगे और गणपति बप्पा को अपने हाथ के बनाए हुए मोदक का भोग लगाएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। देखिए अभी डो बिल्कुल रेडी है, इसके अब हम मोल्ड में डालकर मोदक बनाएंगे। मार्केट में कई तरह के मोल्ड मिलते हैं, उसमें से मैं आपको दो मोल्ड दिखा रही हूँ। देखिए इस तरीके से अभी पहले हम थोड़ा सा डो लेते हैं, उसे हल्के से हमें डस्ट करना है रोस्टेड चना दाल में, और फिर उसके बाद में हमें मोल्ड में इस तरीके से इसको सेट करना है। देखिए पूरा इसे अच्छे से दबा कर हमें इसे सील कर देना है इसके अंदर, तभी हम जो इसके इम्प्रेशन है साइड के वो इसमें दे पाएंगे जितनी ज़रूरत। देखिए इस तरीके से आप प्रेस करिए अच्छे से, और फिर धीरे से इसको हम मोल्ड को खोलेंगे, जिससे बहुत परफेक्ट हमारी शेप बन के आएगी मोदक की। देखिए इस तरीके से अभी हल्का सा इसे जो डस्ट किया था उसको झाड़ लेते हैं। देखिए अब मैं आपको दूसरे मोल्ड में करके दिखा रही हूँ, इसमें भी इसी तरीके से हम थोड़ा सा डो लेंगे, उसे हल्का सा डस्ट करेंगे और फिर उसको हम मोल्ड में इस तरह से ऐड कर देंगे और उसको अच्छे से प्रेस करते हुए हम पूरा फिल करेंगे, और फिर हल्का सा हम धीरे से ही इसको खोलेंगे मोल्ड को और हल्के से निकालेंगे हल्के हाथों से, तभी इसके इम्प्रेशन इसके ऊपर आ पाएंगे। देखिए इस तरीके से कितना सुंदर हमारा मोदक बनकर रेडी हो रहे हैं मोल्ड से।
पर अगर आपके पास मोल्ड नहीं है तो आपको दूसरा भी मैं बता रही हूँ बिना मोल्ड के भी आप कैसे बना सकते हैं। इस तरह से आप थोड़ा सा डो लें और चारों उंगलियों से इस तरह से प्रेस करते हुए हथेली पर रखकर आप इस तरह से मोदक को शेप दे सकते हैं। ये भी खाने में उतने ही टेस्टी लगेंगे और देखने में बिल्कुल मोल्ड जैसे ही लग रहे हैं। देखिए इस तरीके से भी आप बनाकर पप्पा को भोग लगा सकते हैं। ये बहुत ही इजी रेसिपी है, बहुत ही क्विक रेसिपी है, बनाना बहुत इजी है। जिनको नहीं बनाने आते उनके लिए तो ये बेस्ट है। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, रेसिपीज पसंद आ रही हैं तो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए एक बार फिर एक क्विक और ईजी रेसिपी के साथ मिलती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।